दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मेरे चैनल पर आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट के साथ क्वालिटी भी देखने को मिलती रहेगी हमेशा। सो हेलो गाइस, मैं राहुल जैसल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक फ्रेश नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ आप अपने व्हाट्सअप को डबल सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं, जिसके कारण से आपके व्हाट्सअप को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा या फिर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, लैपटॉप के जरिए आपके स्मार्टफोन को एक्सेस कर लेते हैं या फिर कोई वेबसाइट के द्वारा एक्सेस कर लेते हैं या फिर कोई स्मार्टफोन के द्वारा एक्सेस कर लेते हैं आपके व्हाट्सअप को। लेकिन गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपके व्हाट्सअप को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रिक को अगर आप लोगों को फॉलो करना है, देखना है, समझना है तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों आप लोग आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर नए, चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन को प्रेस, मैं आपके लिए रोजाना ऐसे नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दो स्टेप बताने वाला हूँ उसमें से देख लीजिए, जो फर्स्ट स्टेप है शायद आप लोगों को पता होगा और जो सेकंड स्टेप है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे बस वीडियो को आप लोग को पूरा ध्यान से देखना है। इस स्मार्टफोन में जो कुछ भी वर्क करूंगा आप लोग साइड में स्क्रीन में देखना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को जो दो प्रोसेस बताऊंगा उनमें से पहली प्रोसेस आप लोग को शायद पता होगा और जो सेकंड प्रोसेस है बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस है अगर ये आप लोग अपने स्मार्टफोन में एक्टिव कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं 100% गारंटी दूंगा आपके व्हाट्सअप को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए मैं इस स्मार्टफोन में जो कुछ भी वर्क करूंगा आप लोग साइड में स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस मैं अपना जो व्हाट्सअप है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए लोग किस तरीके से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे मैं तीन डॉट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थर्ड नंबर पर व्हाट्सअप वेब, इसी के जरिए से बहुत से लोग आपके स्मार्टफोन के व्हाट्सअप को हैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस देख लीजिए आप लोगों को पहली सिक्योरिटी क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट पर जाना है, उसके बाद प्राइवेसी पर जाना है और सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है फिंगर लॉक, यहाँ पे हम इसको क्लिक के इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इनेबल करने के लिए मेरा फिंगर जो है यहाँ पे मांग रहा है, मैंने दे दिया हूँ। देने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया है सही तरीके से सेट, आप लोगों को इस तरीके से बैक आ जाना है। अब गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा, देख लीजिए पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सअप ओपन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैं होम स्क्रीन से व्हाट्सअप को हटा देता हूँ, फिर से हम इस व्हाट्सअप को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट्सअप ओपन नहीं होगा जब तक मेरा फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा व्हाट्सअप ओपन हो गया। तो पहली स्टेप सबसे तगड़ी जो सिक्योरिटी आप लोगों को ये करना है, अगर आपके स्मार्टफोन में ये फिंगर लॉक वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोगों को पासवर्ड कोई से भी ऐप के जरिए से लगा लेना है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी अगर हैकर है या फिर कोई भी वेबसाइट से एक्सेस होता है, ये पहली लेयर टूटती है तो दूसरी जो लेयर है वो क्या करना है आप लोगों को देख लीजिए। दूसरी जो लेयर है आप लोग को तीन डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है, उसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अकाउंट का, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। थर्ड वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करना है जिस पर लिखा है टू स्टेप वेरिफिकेशन। अब इस पे आप लोग जैसे ही टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, आपके मोबाइल नंबर पर एक आपका पासवर्ड ये जनरेट करेगा, जनरेट यानी कि आपको जनरेट यहाँ पे करना है 6 डिजिट का। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल सा इनेबल पर क्लिक कर लेना है। इनेबल पर गाइस जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप लोग पासवर्ड डालेंगे उस पासवर्ड को आप लोगों को लाइफ टाइम तक हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन में बीच बीच में जो है आपको हर बार ये पासवर्ड एंटर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए 6 अंक का मैं कोई सा भी एक पासवर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ, यहाँ पे मैंने 6 अंक का पासवर्ड ले लिया हूँ। अब गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो भूलने के बाद अगर आप लोगों को फिर से अपना पासवर्ड लेके आना है तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो पासवर्ड है वो नहीं आएगा और आपका ये व्हाट्सअप नंबर जो है फाइनली डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा यानी कि फिर से आप इस पर व्हाट्सअप अकाउंट नहीं बना सकते, जब भी बनाएंगे तो आप लोगों को 6 अंक का ये डिजिट डालना होगा। तो यहाँ पे मैं कोई सा ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये ईमेल एड्रेस डाल लिया। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम कन्फर्म करेंगे, फिर यहाँ पे हम सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही गाइज मैंने क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये अप्लाई हो रहा है। सेटिंग अप्लाई होने के बाद गाइज यहाँ पे फाइनली जो है एक आप लोगों को ईमेल पे कन्फर्मेशन का एक मेल आ जाएगा। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे फाइनली सक्सेस हो जाएगा। इसके लिए आपका जो डेटा है वो इनेबल होना चाहिए। तो चलिए मैं डेटा को यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने के बाद फाइनली जो है हमारे नंबर से इस जीमेल को व्हाट्सअप लिंक कर देगा और इस पर हमने जो 6 डिजिट का पासवर्ड डाला है वो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई हो रहा है, कुछ यहाँ पे वेट होगा क्योंकि नेट की जो स्पीड आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है इस वजह से। फिर से हम इसको क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे देख लीजिए सेटिंग अभी अप्लाई हो रही है। देख लीजिए फाइनली हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है। अब आप लोगों को डन पर क्लिक कर लेना है। डन पर गाइज आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे के समय में अगर ये चीज़ को आप लोग को डिसेबल भी करना है तो ऊपर एक नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है डिसेबल का, यहाँ से आप लोग वही प्रोसेस से डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगा सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे देख लीजिए कोई भी बंदा, जैसे कि मान लीजिए देख लीजिए ये एक पॉपअप आ गया है, मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे मैं खुद एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब तक यहाँ पे 6 डिजिट नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने 6 डिजिट डाला और फाइनली मेरा व्हाट्सअप यहाँ से ओपन हो गया। तो डबल सिक्योरिटी यहाँ पे लग गई है, एक फिंगर वाली, यहाँ पे फिर बीच बीच में 6 अंक का डिजिट आप लोग को डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो भी हैकर या फिर हम बोलेंगे कोई भी एक्सेस करेगा आपके व्हाट्सअप को, जैसे कि व्हाट्सअप बहुत से लोग क्या करते हैं 3 डॉट पर क्लिक करके व्हाट्सअप वेब पर जाते हैं और आपके व्हाट्सअप वेब को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए गाइस यहाँ पे क्या होगा, वो जब भी QR कोड को स्कैन करेगा इस तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा उसको 6 डिजिट का कोड डालना होगा तभी वो आपके व्हाट्सअप अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 2 स्टेप बताया सिक्योरिटी की, ये चीज़ को फॉलो करना है, आपका स्मार्टफोन का जो व्हाट्सअप है वो कभी एक्सेस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसा आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।